बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसे कि अब कोरोना महामारी का जो संक्रमण है वो प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, ये घुमारवीं जिला बिलासपुर के अंतर्गत आप यहाँ खड़े हैं, उप रोजगार कार्यालय घुमारवीं है। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है उसको लेकर ना तो यहाँ के जो कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं उनको पता है, और ना जो लोग यहाँ खड़े हैं उनको पता है। जहाँ पर एक तरफ प्रदेश में कोरोना की जो संक्रमण की रेखो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लोग लापरवाहियाँ करने में बिल्कुल भी ग्रेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इस महामारी से किस तरह से लड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर आह्वान कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आखिर कैसे होगी? यहाँ पर अगर आप जैसे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये कार्यालय है, आप लोग थोड़ा सा इधर आएँ। यहाँ पर मैं इस कार्यालय पर खड़े हुए लोगों को, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस हालात में ये लोग काम कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी बात यहाँ पर ना तो फॉलो हो रही है, ना ही यहाँ पर किसी तरह से कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं इसको लेकर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह से कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई पुलिस का कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। तो आखिर जो कोरोना महामारी से लड़ने की बात हम कर रहे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? इस तरह से क्या हम कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे? क्या इस तरह से हम जो नियम हैं उनकी धज्जियाँ उठाते हुए क्या समाज को आगे ले जा सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न मैं आपके बीच में खड़ा करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर जिला बिलासपुर प्रशासन से यहाँ पर इस बात को रखना चाहता हूँ कि जिस तरह की बातें, जिस तरह के दावे आप लोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे दावे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। कोई भी कार्यालय का कर्मचारी यहाँ पर नियम नहीं बना के बैठा हुआ है, ना यहाँ पर किसी तरह से भी कोई बात। यहाँ पर जितने भी बच्चे खड़े हैं ये सब रोजगार कार्यालय के बाहर अपनी जॉब के लिए, अपना नाम दर्ज कराने के लिए खड़े हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या? अगर इस तरह से कोरोना महामारी का कोई भी संक्रमण अगर फैलता है तो आखिर कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर अभी हालांकि हमारे कवर करने के साथ साथ में यहाँ कर्मचारियों ने इनको सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पाठ पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि साहब, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात अभी आप कर रहे हैं, आप सुबह से क्यों नियम नहीं बना के रखते हैं? पर सोशल सुबह से बना रहे नियम पर सुने ना, सुबह नहीं, आप पुलिस को क्यों नहीं सूचित करते हैं? अब हम भी पंगा नहीं रहे, हमने इनको सब पूछ लो, इनको क्या बोलने है? नहीं सर, अगर किस तरह से महामारी का कोई कारण बनता है इस तरह से, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो हम तो समझा रहे ना, सुने कोई सुबह से, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, सर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में खड़े हैं, यहाँ पर के बच्चे जो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्या हर जगह पर पुलिस खड़ी होगी तभी ये काम पूरा हो पाएगा? क्या जो नियम है सोशल डिस्टेंसिंग के, उनको पालन करना हमारी स्वयं की जिम्मेवारी नहीं है? ये मैं आज आपको लेकर चल रहा था घुमारवीं में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो ऑफिस है यहाँ पर, रोजगार कार्यालय घुमारवीं, यहाँ पर मैं आपको लेकर आया, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन को जो है जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस तरह के हालात ना बने। जैसे आप आज नाहन में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में कहीं भी ये संक्रमण बढ़ सकता है, क्योंकि हम कहीं इस बात से तो लापरवाह नहीं हो गए हैं कि शायद हिमाचल प्रदेश में मामले कम हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जिस तरह की हालत है, उस हालत से यदि बचना है तो हम सब लोगों को एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी बनाना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, हम क्यों ना उससे 2 गज दूर रहे, ये जिम्मेवारी आपको बनानी पड़ेगी। फिलहाल प्रशासन के सामने इस बात को लाया गया है, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से यहाँ पर जिम्मेवारी लेता है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल हम सब लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेना हमारा धर्म मानना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार अपना सहयोग दीजिए, न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।